हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से खबर लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ, यूपी ट्रिपल SC BDO के संबंध में खबर प्राप्त हुई है। जो BDO भर्ती 3133 पदों पर लगभग, जी हाँ, 3133 पद पर 2016 की वैकेंसी थी, उसके संबंध में एक बहुत बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। जवाब तलब किया गया हाईकोर्ट में। हम पूरी खबर इसके संबंध में लेते हैं, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में हो, अब तक हम आसानी से और सबसे तेज पहुँचा सकें। तो मित्रों, ये बड़ी खबर प्राप्त थी BDO भर्ती के संबंध में। मैं पहले उसके संबंध में खबर लेता हूँ, उसके बाद SSC, जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर ग्रुप COD के संबंध में एक खबर प्राप्त हुई है। उनको प्रिफ्रेंस भरने के संबंध में फॉर्म जारी कर दिया गया है। जी हाँ, लास्ट आपका मई तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। उसके संबंध में भी आपको पूरी खबर मैं दूंगा। तो लेकिन सबसे पहले मैं BDO भर्ती के संबंध में खबर लेता हूँ, देखता हूँ उसके संबंध में। यहाँ से एक खबर दे सकते हैं, प्रयागराज से जो खबर प्राप्त हो रही है मित्रों, BDO की भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर में क्यों हुआ बदलाव, ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। यहाँ से देख सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3133 ग्राम विकास अधिकारी BDO की भर्ती में ए सीरीज, कौन से ए सीरीज के प्रश्न संख्या 77 के उत्तर विकल्प में बदलाव को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इसे जवाब मांगा है। यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने गाजीपुर के दीनदयाल चौहान की याचिका को अन्य विचाराधीन अरुण कुमार की याचिका के साथ संबद्ध कर दिया गया है। याचिका का कहना था कि पहले विकल्प सी सही था, पुनरीक्षित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना गया। याची ने सी विकल्प दिया है और इस बदलाव के चलते उसे चयन सूची से बाहर कर दिया गया है। याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। इनका कहना है कि आयोग को उत्तर विकल्प में मनमाने बदलाव करने का अधिकार नहीं है, तो यानी जो उत्तर सही है वही आयोग भी लगा सकता है, ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी लगा सकता है। तो याचिकाकर्ता ने कहा कहा है उसमें उत्तर सी सही है, और याचिकाकर्ता जो है उनका नाम है दीनदयाल चौहान, गाजीपुर के हैं, उन्होंने सी लगाया भी है, लेकिन आयोग ने ए सीरीज जो आपका था उसमें 77 नंबर क्वेश्चन, तो पुनरीक्षित जब उत्तर कुंजी विकल्प में बी को सही माना गया है ना। तो ये इस संबंध में याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी, और इसके संबंध में जो है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने राज्य सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इसके संबंध में जवाब मांगा है। तो ये बड़ी खबर है आप लोगों मित्रों की, इस फसल के लिए ये याचिका कहा जा है गाजीपुर के दीनदयाल चौहान है, उनके संबंध में 3133। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है इस भर्ती पर, लेकिन एक बड़ी खबर है कि लगभग आपका जानते हैं कि ये ज्वाइनिंग ले चुके हैं बच्चे, और रिजल्ट तो आपका काफ़ी दिन पहले आया था, 2016 की BDO की भर्ती है, तो लेकिन आज तक ये मामला चल रहा है। पूरी पूरी ये खबर थी, इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, तो ये खबर थी BDO भर्ती के संबंध में, आज तक पहुँचना जरूरी था मित्रों। अब खबर लेते हैं SSC स्टेनोग्राफर ग्रुप COD के संबंध में, जो 2017 का आपका रिजल्ट आ चुका है उसके संबंध में खबर प्राप्त हो रही है। देख सकते हैं आज न्यूज़पेपरों में आज छाई हुई है, यहाँ से देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड COD के चरणों से मांगी गई वरीयता। ये देखते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कार्यालय के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में होनी थी नियुक्ति। जूम करके खबर ले लेते हैं, देख लेते हैं, कर्मचारी चयन आयोग SSC से स्टेनोग्राफर ग्रेड COD परीक्षा 2017 में चयनित उन अभ्यर्थियों को अपनी वरीयता समेत अन्य जानकारी ऑनलाइन भरना है जिनका चयन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय के अंतर्गत विभागों के लिए हुआ है। SSC ने कहा है कि वरीयता 29 अप्रैल से लेकर के 27 मई तक भरी जा सकती है। SSC ने स्टेनोग्राफर ग्रेड COD परीक्षा 2017 का परिणाम 29 मार्च को जारी किया था। इसमें चयनित अभ्यर्थियों के विभाग आवंटन केंद्र सरकार के विभागों में किया जा रहा है। इस संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय ने SSC को सूचित किया है कि उनके अंतर्गत विभागों में नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उन्हें मेरिट के आधार पर राज्यों में नियुक्ति दी जानी है।
ऐसे भर्तियों की वरीयता भी पूछी गई है। इस पर एसएससी ने चयनित वेबसाइट आप यहां देख सकते हैं www.cag.delhi.nic.in पर आप स्टेट चॉइस कर सकते हैं, पर अपनी और व्यक्तिगत सूचनाएं, राज्य की वरीयता और सत्यापन आवेदन भरें। सभी सूचनाएं 27 मई तक ऑनलाइन भरी जा सकती हैं। तो ये बड़ी खबर थी। जो सीएजी के तहत जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनको अपने राज्य में जो है वरीयता देनी होगी, क्यों, और उनका चयन जो है उनके मेरिट के आधार पर जिस तरीके से उनका नंबर होगा उस तरह से उनके राज्य में जो भी होगा प्रिफ्रेंस दिए होंगे उस अनुसार से उनका चयन किया जाएगा उस राज्य के लिए सीएजी के लिए। तो ये बड़ी खबर थी स्टोनोग्राफर गेट सीओडी 2017 के संबंध में। मित्रों, तो वीडियो भर्ती और स्टोनोग्राफर सीओडी दोनों खबरें आपको मैं संयुक्त रूप से इस वीडियो के अंतर्गत बताया हूँ। ओके, तो पुनः हमें कोई और भी खबर प्राप्त होती है इन सब चीज़ों के संबंध में तो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।